बेटी को दरिंदगी का शिकार बना रहा था, जिससे वो गर्भवती हो गई और अब वो बिन ब्याही मां बन गई है। नाहरगढ़ थाने में खड़े शख्स को पुलिस ने बेहद संगीन जुर्म में गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर इसने दरिंदगी का शिकार बना डाला, जिसकी वजह से आज ये लड़की बिन ब्याही मां बन गई है। कुछ महीने पहले इसने अपनी मां की सहेली की नाबालिग बेटी को दुष्कर्म का शिकार बनाया था, जिससे यह लड़की गर्भवती हो गई थी। इसकी धमकी के डर से पीड़ित बच्ची ने यह बात किसी को बताई नहीं थी, लेकिन नाबालिग के मां बनने के बाद ये बात अब छुपी नहीं रही। दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद नाबालिग के परिजनों ने आरोपी अजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसे पुलिस ने चांदपोल इलाके से गिरफ्तार कर लिया। एक नाबालिग बच्ची के साथ अभी 7-8 महीने पहले दुष्कर्म हुआ था। उसका प्रकरण हमारे यहाँ पर पंजीबद्ध हुआ। उस नाबालिग लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया है सेनाना हॉस्पिटल में। प्रकरण पंजीबद्ध होने के बाद हमने आरोपी की तलाश करके उसे गिरफ्तार किया है। अभी उसे दातर का गिरफ्तार किया है, माननीय न्यायालय में उसे पेश किया जाएगा। आरोपी अजय सिंह अपनी मां के साथ गोविंद राव के रास्ते में रहता है और वहीं फुटपाथ पर ठेला लगाकर दुकानदारी करता है। पीड़ित नाबालिग की मां भी उसी फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाती है। मां की दुकान पर आने जाने के दौरान पीड़ित की जान पहचान आरोपी से हुई थी। आरोपी का नाम अजय सिंह है, जो प्रॉपरली पंजाब का रहने वाला है। मां शामपुर बाजार में पकौड़ी का ठेला वगैरह लगाने का काम वो करता है। उसी दौरान उस बच्ची का उससे संपर्क हुआ और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल 14 साल की उम्र में बिन ब्याही मां बनी नाबालिग बच्ची का इलाज चांदपोल के एक अस्पताल में चल रहा है। सत्या जी मीडिया जयपुर। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 22 जनवरी को जोबनेर के कालख पहाड़ी के मिले जले शव की गुत्थी सुलझा ली है। गिरफ्त में आए आरोपी ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया है कि उसने एक तांत्रिक के कहने पर युवक की बलि चढ़ाई और पहचान छुपाने के लिए उसने पेट्रोल छिड़ककर शव को जला दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर तांत्रिक के कहने पर एक युवक की बलि चढ़ाने और उसके शव को जलाने का आरोप है। 22 जनवरी को जयपुर के जोबनेर में कालख किले की पहाड़ी पर एक युवक का जला हुआ शव मिला था। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि कर्ज में डूबे आरोपी ने खजाना पाने के लिए एक तांत्रिक के कहने पर बलि चढ़ाने के नाम पर शंभू सैनी की हत्या कर दी। इसको ये उस बहाने मोटरसाइकिल पर वहां ले जाने के बाद इसने चाकू से उसका गला देता बलि चढ़ाई, उसके बाद में पेट्रोल डाल के और उसका जला दिया। उनकी हत्या के बाद आरोपी रामचरण यादव ने खुद की मौत का भ्रम फैला दिया था। जले हुए शव पर दोनों परिवार के लोग दावा कर रहे थे। शव की शनाख्त पुलिस को FSL टीम से DNA जांच करानी पड़ी। उसके बाद यह तय हुआ कि शव शंभू सैनी का है और उसके परिजनों को शव सौंप दिया गया। उसका यह था कि परिजन और वो ये मान के कि भाई ये रामचरण यादव है। अच्छा, परिजन डेड बॉडी ले ली। शंभू की हत्या के बाद रामचरण यादव महाराष्ट्र भाग गया था। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने उसे महाराष्ट्र के एक गांव से गिरफ्तार किया और जोबनेर लेकर आई। ये तो ये मतलब थोड़ा सा टिपिकल केस है। उसका यह था कि परिजन और वो ये मान के कि भाई रामचरण यादव है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस हत्याकांड में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। उदयपुर में एक बुजुर्ग महिला से 16 तोले सोने के गहनों की ठगी की गई है। ठगी करने वाले बदमाश पुलिस की वर्दी में थे। महिला को चेन स्नेचिंग का डर दिखाकर उसके गहने उतरवा लिए और गहने लौटाते वक्त उसे नकली गहनों की पोटली थमा दी। परिजनों के बीच बैठी इस बुजुर्ग महिला को कुछ लोगों ने ठगी का शिकार बना डाला है। मोहिनी जैन मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी। उसी दौरान पुलिस की वर्दी में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने इन्हें रोका और शहर में चैन स्नैचिंग की वारदात का हवाला देकर इनके सोने के गहने उतरवा लिए। महिला ने उन बदमाशों को असली पुलिस वाला समझा और मंगलसूत्र और सोने की चार चूड़ियां उतार कर उनके हवाले कर दिए। बदमाशों ने थोड़ी देर में इस महिला के गहने लौटा दिए और मौके से चले गए।
लेकिन जब महिला ने कागज खोलकर अपने गहने देखे तो उसके होश उड़ गए। महिला के हाथों में जो जेवरात थे वो नकली थे। घटना में रास्ते में बाइक वाले आए, उन्होंने बोला ये चोरी का मुआवजा चल रही है, आप खोल के दे रहे हैं तो हमारी बहन जी ने खोल के दे दिए। इस तरह से 16 तोला सोना उनका गया है। ये वाकया उदयपुर के गोवर्धन विलास थाने के सेक्टर 14 इलाके का है। खबर मिलने के बाद पुलिस ने शहर की नाकेबंदी कर दी, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला। मोहिनी जैन के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एक मंगलसूत्र था और 4 चूड़ियां थी। 16 तोला सोने के जेवरात की ठगी से बुजुर्ग महिला सदमे में है, परिजन और रिश्तेदार महिला को ढाढ़स बंधाने में जुटे हैं। अविनाश जगनावत, वी मीडिया, उदयपुर। सीकर की नीमका थाना पुलिस ने क्षेत्र में बढ़ती चोरियों पर लगाम लगाने के लिए देर रात सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस टीम ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन समेत शहर की अन्य झुग्गी झोपड़ियों में सर्च किया। पुलिस को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। मौके से पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए थाने भी ले आई। बढ़ती चोरी को देखते हुए लोगों में आक्रोश है। पुलिस एक भी चोरी का खुलासा अब तक नहीं कर पाई है। आज अपराधियों की खोज खबर के लिए आज रेलवे स्टेशन के आसपास में जो डेरे हैं उनको चेक किया गया है। एक अच्छे संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनके बारे में तस्दीक कर रहे हैं स्थानीय थाने से, और उनके पर्चे वर्चे जारी किए जाएंगे। किसी अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तो नियमानुसार जो भी कानूनी कार्रवाई हो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर में एक शख्स को कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट कर जलाने का प्रयास किया। पीड़ित ईश्वर लाल को पीबीएम अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती करवाया गया है। बीछवाल थाने में अपहरण कर चाकुओं से गुदने, जलाने का प्रयास और नकदी रुपए छीनने का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक जैसलमेर निवासी ईश्वर लाल को रेलवे स्टेशन रोड से एक गाड़ी में सवार अज्ञात बदमाशों ने अगवा कर लिया और उसके मुंह को कपड़े से ढक कर उसके साथ मारपीट की गई। उसे जलाने का प्रयास हुआ। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने ईश्वर लाल से करीब 8,000 रुपए भी छीन लिए और उसे फेंक कर फरार हो गए। बीछवाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में वन विभाग ने वन भूमि से अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अभियान के दौरान विभाग के दल ने बथुआ खो वन खंड में एक एलएनटी मशीन और ट्रॉले को जब्त किया है। बाद में इन्हें सरमथुरा पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं वन क्षेत्र में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने यह अभियान शुरू किया है। अवैध खनन के खिलाफ जो है गश्त करते हुए एक एलएनटी जब्त की बथुआ खो वन क्षेत्र से, जिसकी वन फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई कर की जा रही है। करौली की लांगरा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि उसे पिकअप गाड़ी में विस्फोटक ले जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद गाड़ियों की तलाशी ली गई तो कांकटियापुरा गांव के पास पुलिस को गाड़ी बरामद हुई, जिसमें 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 400 जिलेटिन की छड़े, करीब 10,000 फुट डेटोनेटर वायर और 8 ब्लास्ट कैप्सूल मिले। जयपुर के जोबनेर में हुई शंभू सेन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जयपुर ग्रामीण एसपी डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता करके बताया कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी रामचरण यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रामचरण ने शंभू सेन से 15 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था और इसी के चलते आरोपी ने तांत्रिक के बताए तरीके के मुताबिक बलि चढ़ाने के लिए शंभू सेन की हत्या कर दी। जयपुर में डीसीपी ईस्ट की ओर से गठित स्पेशल टीम ने राजधानी में 50 से भी ज्यादा नकदजनी की वारदातें करने वाली गैंग का खुलासा किया है। पुलिस की स्पेशल टीम ने इस गैंग के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश समीर, ठंडी प्रजापत, हनुमान और प्रहलाद सैनी पेशे से छात्र हैं और पढ़ाई करने की जगह पर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल चारों सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनसे और भी वारदातों के खुलने की संभावना है। Thank you.
क्राइम रिपोर्ट में वक्त हो चला है ब्रेक का, लेकिन फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। बर्फ के पहाड़ों पर बहादुर बेटी का दंगल, हड्डियां जमा देने वाली बर्फ पर जंग में लड़कियों ने जो हौसला दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। आतंकियों की बनाई सरहदों को तोड़ने पर सीमा के हौसले को सभी सलाम कर रहे हैं। फिल्मों में तो आपने हीरोइन को मुसीबत के वक्त ऐसे लड़ते देखा होगा, सर ये तो हमारे पीछे ही पड़ गई। लेकिन तालिबान और आतंकवादियों की सरहदों को तोड़ती ये है अफगानिस्तान की दिलेर बेटी सीमा अजीमी, जो एक रियल लाइफ फाइटर है। हड्डियां जमा देने वाले -2 डिग्री के तापमान में बर्फ से ढकी चोटियों पर काबुल में महिलाओं को सशक्त करने की लड़ाई लड़ रही हैं सीमा अजीम। कट्टरपंथियों की जमीन पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देख पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। जिस देश में महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी रहती है, अब उस देश की महिलाएं तालिबानियों से जंग लड़ने को तैयार हैं। از سبقه 19 در مسابقات جهانی شرکت کنم و مدال بیاورم برای وطنشان. این بزرگترین آرزوی ماست. 20 سال کی سیما عظیمی افغانستان میں اپنی حق کی لڑائی برفیلے پہاڑوں پر لڑ رہی ہیں۔ وشو مارشل آرٹ میں مہارت حاصل کر چکی سیما لڑکیوں کو سیلف ڈیفنس کے لیے برفیلے پروت کی چوٹیوں پر لے جا کر یہ کلا سکھا رہی ہے۔ مشکل دیگه امنیت در کشور ماست، ما نمیتونیم به امنیت نداریم که ما بتونیم درست که برم سر وقت برم در تمرین خود دامه بکنیم، یعنی خیلی با مشکلات مواجه هستیم، نمیتونیم یعنی دلش نداریم که برم در کلاب برم جا تو رفت. همت و حوصلوں کی مثال بنتی یہ لڑکیاں لگاتار اپنے دیش کے کٹر پنتھیوں کی چھوٹی سوچ کو چیلنج کر اپنی راہ خود بنا رہی ہیں۔ अफगानिस्तान में मार्शल आर्ट के वुशू का खेल महिलाओं के बीच दिन ब दिन लोकप्रिय हो रहा है और इस खेल को कुंग-फू भी कहा जाता है, जो दुनिया के तमाम हिस्सों में अलग अलग तरीकों से फैल रहा है। ये महिलाएं काबुल के शाओलिन वुशू क्लब की मेंबर हैं। सीमा करीब 20 लड़कियों को वुशू सिखा रही हैं, जो 13 से 20 साल की उम्र की छात्राएं हैं। दरअसल तालिबान के दमनकारी शासन के दौरान महिलाओं के साथ अत्याचार और हिंसा ने सारी हदें पार कर दी। आज भी अफगानिस्तान की महिलाएं इस नीले बुरके के पीछे आजादी की राह देख रही हैं। सीमा अजीमी ने लड़कियों को अब पर्दे की पाबंदियों से स्वतंत्र कराने की ठान ली है और बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों पर अफगान की इन लेडी फाइटर्स की इस शुरुआत से बदलाव की बयार बहती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सनकी आशिकों की एक नई तकनीक का खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस के मुताबिक
मनचले लड़कियों और महिलाओं के मोबाइल नंबर फोन नंबर्स रिचार्ज शॉप से खरीदकर उन्हें परेशान करते हैं। इसमें लड़की की खूबसूरती के हिसाब से उसका नंबर बेचा जाता है और फिर शुरू होता है इनके टॉर्चर का सिलसिला। इसलिए अगर आपकी बेटी भी अपने मोबाइल फोन को किसी शॉप से रिचार्ज कराती है तो सतर्क हो जाएं। यूपी में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ मनचलों की एक नई तकनीक का ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, यूपी पुलिस के मुताबिक मनचले लड़कियों और महिलाओं के मोबाइल नंबर फोन नंबर रिचार्ज शॉप से खरीदकर उन्हें परेशान करते हैं। इस चुनावी दौर में यह खबर वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि आपकी बेटी का मोबाइल नंबर 50 से लेकर 500 रुपए तक में बिक रहा है। मैं समस्या तो है ही, नंबर उनके बहुत जल्दी जल्दी सर्कुलेट होते हैं, लड़के उन्हें परेशान करते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, फॉलो करते हैं, तो काफी दिक्कत होती है, बहुत एक मेंटल स्ट्रेस होता है इससे। बाकी तो सारी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो फेस कर ही रहे हैं, एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है कि आप एक अननोन बंदा आपको कंटिन्यू फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, जिसे आप नहीं जानते हैं, तो ये सारी समस्याएं तो हैं ही। 10-90 वर्किंग था, लोग थोड़ा बहुत डरते थे लड़के, लेकिन आज के डेट में लोग 10-90 को भी एक मजाक में लेते हैं, वो आपको कंटिन्यू परेशान करते हैं। और अगर आप उनसे ये कहते हैं कि हम 10-90 पे आपकी कंप्लेंट करेंगे, तो वो कहते हैं ठीक है जाइए कर दीजिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एक डर 10-90 का था वो भी खत्म हो चुका है, और पुलिस तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एक्शन लेती। चौंकिए मत, ये आपकी या किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है, इसलिए पूरे रैकेट का सच जानना जरूरी है। यूपी पुलिस के मुताबिक मनचले लड़कियों और महिलाओं के मोबाइल नंबर फोन नंबर रिचार्ज आउटलेट से खरीद कर उन्हें परेशान करते हैं। पुलिस को लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों से ऐसी सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मोबाइल फोन रिचार्ज करने वाले दुकानदार 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में मनचलों को लड़कियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करा देते हैं। मोबाइल नंबर की कीमत लड़की की खूबसूरती के हिसाब से तय करते हैं। साधारण सी दिखने वाली लड़की का मोबाइल नंबर 50 से 100 रुपए तक में दे दिया जाता है, तो खूबसूरत लड़कियों के मोबाइल नंबर के लिए दुकानदार 500 रुपए तक लेते हैं। कॉलेज का खुद एक फ्रेंड है, वो मेरी जहाँ जिस प्लेस से मैं रहती हूँ उस लड़की के पीछे बहुत टाइम से पड़ा होता है, लेकिन उसने मुझसे नंबर मांगा, मैंने नहीं दिया, लेकिन एक टाइम में मुझसे बोला देखो मुझे नंबर मिल गया उस लड़की का, तो मैंने कहा कि ये कैसे हुआ, तो उसने मुझे खुद बताया कि वो रिचार्ज कराने गई थी, वो भैया मेरे दोस्त हैं, तो मैंने दोस्ती में उनसे नंबर ले लिया। तो ज्यादातर ये होता है कि जैसे कोई मोहल्ले में जान पहचान के जो लड़के होते हैं जिनकी शॉप है, तो वही आपस में नंबर बांट देते हैं, या फिर कुछ ये कोल्ड ड्रिंक पिला दी, या कॉलेज में बहुत ज्यादा इस लड़की का नंबर दूं तो मैं ट्रीट देंगे, या बेट लगाते हैं, तो इस टाइप की चीजें बहुत होती हैं लड़कों में कि हाँ कि लड़की का नंबर पाने के लिए। क्या करना चाहिए मैम उसके बचने के लिए? तो हम यही कोशिश कर सकते हैं कि हम रिचार्ज जो है अपने जानने या कोई अपने ब्रदर या कोई या फादर या कोई उनसे रिचार्ज कराएं, कि ताकि हम अपने आप खुद ना जाए कि हमें उनको ये लगे कि हमने अपने फादर को नंबर दिया वो रिचार्ज करवा दे रहे, तो इस चीज से कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किसका नंबर है, ये भी एक तरीका है। और हम ज्यादातर कोशिश करें कि रिचार्ज हम कूपन से करें, ना कि खुद शॉप पे जाकर के रिचार्ज कराएं, तो ये भी एक तरीका है, क्योंकि मैम इसी से ही रोक सकते हैं और तो कोई, क्योंकि आजकल 10-90 से भी कोई नहीं डर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका खुलासा कैसे हुआ। दरअसल 15 नवंबर 2012 से लेकर 31 जनवरी 2017 तक वुमेन हेल्पलाइन 1090 पर 6,80,611 केस दर्ज हुए, जिसमें 5,99,127 मामले फोन पर उत्पीड़न के थे। मुख्यतः ऐसे बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं पूरे प्रदेश में जो इस प्रकार के मोबाइल फोन्स को रिचार्ज करते हैं, और संभवतः उनके द्वारा ही कुछ महिलाओं के नंबर आगे लीक कर दिए गए होंगे, और उन नंबरों के लीकेज के बाद कुछ किसी प्रकार का हैरेसमेंट भी निश्चित रूप से हुआ। उसको मद्देनजर रखते हुए पहले से ही हमारे पास यूपी में 1090 की व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई हैरेसमेंट किसी भी महिला की अगर होती है तो 1090 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करें, ताकि हम उसके खिलाफ जो भी व्यक्ति उनको परेशान कर रहा है उसको ट्रेस करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। साथ ही साथ अब हम ये भी चेक करेंगे कि महिला के द्वारा या ये नंबर दूसरी पार्टी के पास जिसने उसको परेशान किया उसके पास पहुंचा कैसे, उसके तह तक जाएंगे
और निश्चित रूप से यदि कोई रिचार्ज करने वाले आउटलेट के द्वारा ऐसा किया गया है तो उसके खिलाफ भी हम निगरानी कार्रवाई करेंगे। हेल्पलाइन पर मिली करीब 6 लाख शिकायतों में 90% शिकायतें फोन पर तंग करने की थी। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर मंजिलों को चेतावनी देकर छोड़ देती, यानी साफ है कि अब मोबाइल नंबर बेटियों के लिए खतरा बन रहा है। नीरज मिश्रा, इंडिया 24/7, लखनऊ। चलिए क्राइम से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में, गुनाह एक नजर में। दौसा के सदर थाना क्षेत्र में सेंसर रोड पर मालकवास गांव के पास डीजल से भरे टैंकर को बदमाश पार करके ले गए। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने चलते ट्रक के सामने बोलेरो गाड़ी लगाकर टैंकर को रोक लिया और गाड़ी में आया आधा दर्जन बदमाशों ने टैंकर चालक और परिचालक को बंधक बना लिया। फतेहपुर सीकरी के पास उसे छोड़कर चले गए, टैंकर लेकर फरार हो गए। करौली के सपोटरा में अज्ञात चोरों ने पान और चाय की 4 गुंथियों के ताले तोड़ दिए, लेकिन पुलिस की गश्त दल के मौके पर पहुंचने पर चोर यहां से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने दुकानदारों की शिकायत पर चोरों की तलाश शुरू कर दी। जालौर के सागा में पुलिस ने वाहन चोरी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने दहिया गांव में एक वाहन बरामद किया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कस्बे में नाकेबंदी कर वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया। सीकर के बिहारी मार्ग पर चोर ने जैन अस्पताल को निशाना बनाया। चोर अस्पताल का ताला तोड़कर पानी की मोटर और 10,000 रुपये चोरी करके ले गए। चोरों ने अस्पताल का सारा सामान चितर बितर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर चोरों की पड़ताल शुरू कर दी। डीडवाना ईडी चिकोट में आनंदपाल गिरोह के 2 और गुर्गों को पेश किया गया। जीवन गोदारा हत्याकांड में आरोपी दातार सिंह और केशव सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच डीडवाना लाया गया। आपको बता दें कि आनंदपाल के गुर्गों की डीडवाना में लगातार अलग अलग मामलों में पेशी लगातार जारी है। सुरक्षा को देखते हुए पेशी के दौरान कोर्ट कैंपस की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। नारगढ़ क्षेत्र में अपनी मां की सहेली की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक अजय को पुलिस ने कल रात चांदपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अजय सिंह ने अपनी मां के साथ ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिला की नाबालिग बेटी से दोस्ती कर उससे दुष्कर्म किया, उसे जान से मारने की धमकी मिली। इसके बाद 29 जनवरी को पीड़ित ने 14 साल की उम्र में बच्चे को जन्म दिया। चूरू के पंडरेऊ टीबा गांव से लापता दोनों बहनों के मामले में नया मोड़ आ गया है। दोनों बहनों ने तारानगर पुलिस को बताया कि वो शराबी पिता से परेशान है। इसके चलते बड़ी बहन ने एक युवक से लव मैरिज कर ली। छोटी बहन का कहना है कि पिता शराब पीकर आए दिन उनके साथ मारपीट करते हैं, इसलिए वो मां बाप के पास नहीं जाना चाहती। पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति के यहां पेश करने के बाद बीकानेर बालिका आश्रय गृह भेज दिया है। डूंगरपुर जिले के आसपुर में रीछा गांव के पास जंगल में युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। युवती ने चांदी के जेवर पहन रखे हैं। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। बने रहिए जी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार।